यूपी में जब से सिपाही भर्ती परीक्षा हुई है तब से वो सवालों के घेरे में है। पेपर लीक समेत तमाम गड़बड़ियों को लेकर जहां विपक्ष अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है, वहीं सीएम योगी एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा देने वाले छात्रों को बहुत बड़ी राहत दी है, जिसके मुताबिक जिन अभ्यर्थियों की जो भी शिकायत है वो बोर्ड की वेबसाइट में सबूत के साथ जमा करा सकते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से सबूत के साथ आपत्ति मांगी है। इसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी अपनी आपत्तियों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जमा करा सकते हैं। जांच में अगर ये शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो आगे सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी ने मामले को लेकर एक समिति का गठन किया था, जो कि पेपर लीक, पेपर की छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने और सनी लियोनी के एडमिट कार्ड जैसे मामलों की जांच कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर सपा हर मंच पर बीजेपी सरकार को घेर रही है। बुधवार को एटा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नौजवानों के सपने पूरे होंगे। नौजवान मांग कर रहे हैं कि जांच के साथ साथ परीक्षा दोबारा हो, और जिस तरह से इलाहाबाद में पेपर लीक एआरओ और उसको लेकर के आंदोलन कर रहे नौजवान, सोचिए जो सरकार दावा कर रही है डबल इंजन की, और सरकार में जो भी अभी तक परीक्षा हुई है सब में पेपर लीक हुए हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि नौजवानों के सपने पूरे होंगे। पेपर लीक के मुद्दे को राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में भी उठा चुके हैं। इसके अलावा कई छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट चुका है। छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा। क्या ये जांच समिति छात्रों को इंसाफ दिला पाएगी, या फिर लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा।